हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल ऑन देवनागरी डिस्कस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट सेल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू फॉर्मेट नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर जो जो भी ऑप्शंस होंगे उन सबको हम एक एक करके जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना एक्सेल वर्कबुक खोल लेते हैं। तो हमारा एक्सेल बुक ओपन हो चुका है और सबसे पहले हम देखते हैं कि हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को कैसे ओपन करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे फॉन्ट जो ग्रुप दिख रहा है इसमें यहाँ पर होवर करोगे, ये जो डाउन एरो दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको फॉन्ट सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही अलाइनमेंट में भी आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर अलाइनमेंट या फॉन्ट किसी पर भी क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, इसी तरीके से आप ला सकते हो। तो हम यहाँ से कैंसिल करते हैं और एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल दबाकर वन दबाना। तो कंट्रोल दबाकर वन दबाते हैं तब भी फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाता है, इस तरीके से आएगा, जिसमें सारा कुछ वही है जो हमने पिछले पहले देखा। और हम इसको भी कैंसिल करते हैं और हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, बी कॉलम को, और नंबर वैल्यूज़ देखते हैं पहले। तो हम यहाँ पर फिर कंट्रोल दबा के वन दबाएंगे, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा। और फिर यहाँ पे जनरल में देखते हैं तो हमें नंबर में चेक करते हैं। तो नंबर में आप देखोगे तो डेसिमल प्लेसेस हमसे पूछता है कि हम कितने डेसिमल प्लेसेस तक डाल दे सकते हैं। तो हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं या तो हम कम भी कर सकते हैं, या तो जीरो भी कर सकते हैं। तो हम तीन तक करते हैं। यहाँ पे सेपरेटर के बारे में पूछता है कि 1000 के बाद सेपरेटर चाहिए या नहीं चाहिए हमें, तो हम यहाँ पर टिक करते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स या वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ कैसे शो हो। तो यहाँ पे माइनस के निशान के साथ वैल्यू दिखाया है, यहाँ पे सिर्फ रेड दिखाया है रेड कलर में, और यहाँ पे माइनस निशान के साथ रेड कलर में भी। तो हम इसको चूज़ करते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। तो ओके कर दिया हमने। तो आप यहाँ देखोगे तो सेपरेटर, यहाँ पर सेपरेटर भी आ गया है कोमा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू भी 3 तक आ चुका है। तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे हम माइनस का माइनस कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पे -200। और आप यहाँ पे अगर चेक करोगे ना फॉर्मूला बार में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 50,000 ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ फॉर्मेट हो चुका है सेल में, कॉमा आ रखा है, डेसिमल वैल्यू दिखा रखा है। यहाँ पर भी -200 है लेकिन यहाँ पर रेड में दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, और यहाँ पर हम चाहे तो माइनस करके 2000 देखेंगे तो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख का हमारे पास है, तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी रेड में, क्योंकि माइनस में, अगर हम यहाँ से माइनस हटा देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया था, लेकिन अगर आप मान लीजिए पूरा डिजिट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर कंट्रोल वन दबाते हैं, तो आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको सैम्पल में दिखाएगा कि 50,000 दिखेगा कैसा। तो यहाँ पर अगर हम डेसिमल हटाते तो कुछ इस तरीके का आएगा, अगर 1000 सेपरेटर हटाते तो 50 इस तरीके से आएगा, ठीक है। या तो हम इसको रखते हैं और यहाँ पे वन डालते हैं तो इस तरीके से रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम माइनस करके 2000 लिखेंगे तो -2000 इस तरीके से आ जाएगा। और हम इसमें और भी चेक करते हैं, तो यहाँ पर आगे करेंसी का, तो करेंसी के लिए पहले इस पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंट्रोल दबाकर वन दबाते हैं और करेंसी में आते हैं। तो करेंसी में आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी डेसिमल वैल्यूज़ पूछ रहा है, और यहाँ पे सिंबल पूछ रहा है कि सिंबल किस तरीके का हमें करेंसी चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आर्मेनियन, जॉर्जियन, रशियन और हमारा इंडियन भी होगा, तो इंडियन चेक करते हैं, इंडियन रुपीज़। ये ऊपर ये सबसे पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओके करते हैं, तो यहाँ देखोगे तो इस तरीके का कुछ ऑप्शन आ जाएगा, है ना, 100 रुपीज़ का। हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वन दबाएंगे तो यहाँ पे फिर नेगेटिव वैल्यू के लिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू के लिए सेलेक्ट किया तो इस तरीके से आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू रेड में। और हम फिर दोबारा कंट्रोल वन करते हैं और यहाँ अकाउंटिंग में जाते हैं, तो अकाउंटिंग में भी ठीक इसी तरीके का है। यहाँ पे डेट फंक्शन अलग है, और यहाँ पे हम, तो आप डेट फंक्शन पे देखते हैं कि डेट फंक्शन में हम कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं
और हम डेट फंक्शन में जाते हैं, और डेट फंक्शन में आप देखोगे तो हम इसको पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पर एफ सेक्शन में एंटर कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको भी थोड़ा, अब हम यहाँ पे एफ सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं कॉलम को, और यहाँ पे कंट्रोल दबा कर वन दबाएंगे, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। तो अब हम डेट में देखते हैं, तो डेट में आप देखोगे तो पहले नंबर पे हमें डिजिट में दिख रहा है वैल्यू ईयर। यहाँ पे अगर हमें मंथ चाहिए अल्फ़ाबेट में तो मार्च आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर ईयर हमें चाहिए पूरा 2012 या 13, 14, 20 इस तरीके से यहाँ पे टाइप्स दिख रहा है आपको। और यहाँ पर आपको नीचे आओगे तो आपको इस तरीके से भी दिखेगा कि पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा। फिर यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मंथ के साथ यहाँ पे डेज भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेज पे अगर हम क्लिक करते हैं और ओके करेंगे तो कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा हमारा। अब यहाँ पे एक नया डेट लिखते हैं, हम मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 2020, ओके करते हैं। तो यहाँ पे अपने आप ही थर्सडे 10 दिसंबर 2020 को थर्सडे था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फार्मूला बार में डेट का डिजिट ही दिख रहा है हमको 10/12/2020। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं, तो अब हम टाइम देखते हैं, टाइम फॉर्मेट सेल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे और एक नए कॉलम में जाकर इसको एंटर करेंगे, और यहाँ पर जब दोनों तरफ एरो आ जाए तो डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा विथ। अब हम यहाँ पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल वन, और यहाँ पे टाइम पे जाते हैं। टाइम पर आप देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है सेकेंड्स के साथ, यहाँ पे पीएम देखोगे आप, यहाँ पे 01 के साथ 30:55 पीएम, और थोड़ा नीचे करो यहाँ पे 24 आवर्स में दिख रहा है, और अब थोड़ा और नीचे करोगे तो यहाँ पे 1:30 PM दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करेंगे तो ये क्या होगा, सेकेंड हट जाएगा और पीएम और एएम में हमारा टाइम आ जाएगा। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 13 और 10 करते हैं और ओके करते हैं तो देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली 1:10 दिखा रहा है आफ्टरनून का। और यहाँ पे हम करो चेक करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला बार में 13:10 ही दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम चेक करते हैं परसेंटेज को, तो परसेंटेज में आ गए हैं। और परसेंटेज का एक चीज़ मेन हम जान लेते हैं, मान लीजिए ये इस तरीके से हमने नंबर लिख रखा है, तो हम इसको पहले कॉपी करते हैं और इस वाले सेल में एंटर कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे मान लीजिए इस पूरे सेल को सिलेक्ट किया है और हम यहाँ पे कंट्रोल दबाकर वन दबाते हैं और परसेंटेज में आएंगे। परसेंटेज में आएंगे तो यहाँ पे डेसिमल पूछेगा कि कितने प्लेसेस तक हमें चाहिए, तो हमें 10 तक चाहिए या 3 तक चाहिए, तो हम 3 तक कर देते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो हम अगर ओके करते हैं तो परसेंटेज देखोगे तो ये 100 है, 200 है, ये 300 है, ये 400 है, तो परसेंटेज तो 100 तक ही होता है, तो ये 800 तक आता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिस भी नंबर को हम परसेंटेज करते तो वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड करके वापस जाते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं फिर से कंट्रोल वन, और अब फिर परसेंटेज में आएंगे और हम इसको पहले हटा देते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है। और हम यहाँ पे थोड़ा जूम हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वन दबाएंगे और यहाँ पर परसेंटेज में चेक करेंगे तो हम डेसिमल 2 तक ही चाहते हैं। और अब अगर हम ओके करेंगे तो ये 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो 0.5 डाल रखा है हमने तो ये 50% हो जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से 0.6, 60% हो जाएगा, इसी तरीके से 80% हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, परसेंटेज कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट वैल्यू में कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से। तो सबसे पहले हम इस सेल को हम थोड़ा विड्थ बढ़ा देते हैं इसका, और इसका हाइट भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करके रखते हैं, अब कंट्रोल वन दबाते हैं और यहाँ पर अलाइनमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखोगे तो हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में अगर हम देखोगे तो जनरल ये, अगर हम लेफ्ट इंडेंट करेंगे तो ये अभी लेफ्ट में ही है, ठीक है। राइट इंडेंट करेंगे तो ये हो जाएगा राइट की साइड, तो हम यहाँ पे ओके करते हैं तो ये राइट की साइड हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड करके फिर कंट्रोल वन,
और यहाँ पे फिर दबाते हैं, फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिल है, तो फिल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके करेंगे, तो क्या होगा कि ये जितना स्पेस होगा ना ये उसी हिसाब से वो फिल होता जाएगा वैल्यू। अगर हम इसको कम कर देते हैं तो देखोगे तो दो ही अक्षय, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बाकी है, लेकिन ये पूरा आ नहीं सकता नया वर्ड अक्षय का, तो ये दो ही तक रह जाता है, ठीक है। तो हम अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करते हैं और फिर कंट्रोल बंद करेंगे और यहाँ पे फिर आते हैं, जस्टिफाई हम देखेंगे बाद में, सेंट्रल अक्रॉस सिलेक्शंस भी देखेंगे बाद में, और डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट भी बाद में देखेंगे, और श्रिंक टू फिट भी बाद में ही देखेंगे, और मर्ज सेल तो हमने देख रखा है कि यहाँ से किस तरीके से मर्ज होता है सेल। और यहाँ पर हम आते हैं बॉटम में, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप में करेंगे तो ये टॉप में आ जाएगा, ये वर्टिकल एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे ओके करते हैं तो ये टॉप में आ गया। फिर कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल वन, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है जो हमने परफॉर्म कर रखा है कुछ वैल्यू, वो अगर हमसे मिस्टेक हो जाए तो हम वापस उस मिस्टेक को सुधारने के लिए प्रीवियस स्टेप पे आ सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल पे देखते हैं, तो वर्टिकल पे अगर हम सेंटर करेंगे और ओके करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। फिर कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल वन, और यहाँ पर वर्टिकल में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड और जस्टिफाइड हम बाद में देखेंगे, और यहाँ पर श्रिंक टू फिट भी देखेंगे और रैप टेक्स्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ है फॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो फॉन्ट टाइप है, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, बोल्ड इटैलिक हो सकता है, कलर फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे बॉर्डर, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर हम अगर मान लीजिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू है, अगर स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो जैसे करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर सैम्पल भी दिखाता है कि बीच से एक लाइन से चली जाएगी, ठीक है। और सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट तो हमने देख ही रखा है, तो सेम यही काम करता है, ठीक है। तो इसको भी हटाते हैं और यहाँ पर रेगुलर इटैलिक बोल्ड, और यहाँ से हम कलर चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं येलो दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं साइड साइज़ को भी, तो 16 कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो बॉर्डर यहाँ पे हम चाहे तो कई टाइप के दे सकते हैं और हर साइड में अलग अलग। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पहले कलर चूज़ कर लेते हैं, तो कलर यहाँ पे हम ब्लू चूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये इधर की साइड दे सकते हैं, हम डबल बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, हम नीचे की साइड दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये हमारा राइट साइड में हो, और इस तरीके का बॉर्डर हमारा लेफ्ट साइड में हो, ठीक है। और हम चाहे तो बीच में भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर ओके कर देते हैं, तो ओके करेंगे और हम हटेंगे तो देखेंगे कि बॉर्डर लग चुका है और हर साइड में अलग टाइप का बॉर्डर हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे, फिर कंट्रोल वन फॉर्मेट में, और यहाँ पे फिल का भी ऑप्शन है, फिल में हम पैटर्न कलर भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ब्लू स्काई ब्लू देते हैं, और पैटर्न में हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं इस तरीके का पैटर्न, तो यहाँ पर सैम्पल आ जाएगा कि कौन सा पैटर्न है, ठीक है। इस तरीके का भी चूज़ कर सकते हैं, और हम इस तरीके का भी, और हम ओके करेंगे तो इस तरीके का पैटर्न्स आ जाएगा पीछे बैकग्राउंड में। तो कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल वन करेंगे, और यहाँ पर, और हम चाहे तो फिल इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, तो फिल इफ़ेक्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर हम कलर चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लाइट ग्रीन देते हैं, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल में चेक कर सकते हैं हम किस टाइप का देना चाहते हैं, तो यहाँ पर सैम्पल भी आ जाएगा, और यहाँ पर वर्टिकल भी है, तो ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल अप भी है, डायगोनल डाउन भी है, और यहाँ पर फ्रॉम कॉर्नर भी है। तो हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सैंपल आ जाएगा, या तो हम चाहे तो यहाँ पे कलर वन भी सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रीन। तो यहाँ पे दो टाइप के कलर से वेरिएंट बनता है और बन जाएगा, और यहाँ पे ओके करेंगे तो इस टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल जेड करते हैं, फिर कंट्रोल वन, और यहाँ पर प्रोटेक्शन में है देखते हैं, तो यहाँ पर लॉक्ड और हिडन है। तो यहाँ पर थोड़ा हम जूम करके देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है लॉकिंग सेल और हिडिंग फार्मूलाज हैव नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट, ठीक है। तो हमें जब तक वर्कशीट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये लॉक्ड और हिडन कुछ काम का नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर पहले हटा लेते हैं, और यहाँ पर फिर हिडन भी चेक टिक कर देते हैं, ठीक है। ओके करेंगे, और यहाँ पर हम यहाँ पर रिव्यू में जाएंगे और प्रोटेक्ट शीट में जाकर पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पे संजय पे अगर आप ध्यान दोगे
फॉर्मूला बार में, तो यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। सुरेश में देखोगे तो भी नाम आएगा, संदीप में देखोगे, प्रदीप में देखोगे तो भी नाम आएगा, लेकिन अगर आप अक्षय पे क्लिक करोगे तो जो फार्मूला बार में ना वो हिडन दिखाएगा। इसके पीछे अगर हम कोई फार्मूला लगाते हैं ना, उसको भी हम हाइड इस तरीके से कर सकते हैं, और हम चाहे तो अनप्रोटेक्ट करते हैं पहले सीट को, तो अब देखोगे तो अब आ गया, ठीक है। हम चाहे तो कंट्रोल वन दबाएंगे और यहाँ पर लॉक्ड भी हटा देते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम इस सेल में तो हम चीज़ें को चेंज कर पाएंगे, बाकी सेल में चीज़ नहीं चेंज हो पाएगी। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्ट सीट करेंगे, तो अब देखोगे तो हम यहाँ पे संजय में अगर हम कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लॉक्ड सेल पे टिक था और यहाँ पे हमने अनटिक कर दिया था। तो हम यहाँ पे चाहे तो आगे करके अगर हम क्लिक करके एंटर मारेंगे तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो दिखाएगा कि ये प्रोटेक्टेड सीट है, तो हमें पहले अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से ये हो सकता है। तो हम यहाँ पे अब कंट्रोल वन जाके यहाँ पे हम लॉक्ड सेल पे टिक कर देते, तो अब हम अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो इसको पे भी हम कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम हमारा मेन कस्टम फॉर्मेट सेल में कस्टम की, ठीक है। तो कस्टम हम किस तरीके से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम नंबर्स में देखेंगे, फिर डेट में भी देखेंगे और फिर टाइम में भी देखेंगे, और हम चाहे तो हम वो भी ये भी देखेंगे कि वो रैप अप टेक्स्ट हो गया, जस्टिफाई, डिस्ट्रीब्यूट, वो भी हम अदर फॉर्मेट सेल के सीट पर चेक करेंगे और देखेंगे। तो आप देखते हैं कस्टम सेल्स में किस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ताकि हम जब फॉर्मेट करें तो उसी तरीके से आए जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो यहाँ पर मेन बात है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पर नेगेटिव नंबर, जीरो और टेक्स्ट। तो जब एक फार्मूला हम देते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से होता है कि पहले जो फार्मूला हम लगाते हैं जिस पे वो पॉजिटिव नंबर होता है, फिर सेमी कॉलन देके, फिर नेगेटिव नंबर्स के लिए हम कस्टम टाइप करते हैं, उसके बाद सेमी कॉलन देकर जीरो वैल्यू के लिए हम फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद टेक्स्ट वैल्यू के लिए। तो हम ये सारा का सारा कुछ ये बी कॉलम में हम चेक करेंगे कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इसको जूम कर देते हैं, तो आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर चेक करते हैं, कंट्रोल वन दबाएंगे और यहाँ पर नंबर कॉलम में आते हैं और यहाँ पे कस्टम में देखते हैं, तो यहाँ पे जनरल है, तो यहाँ पे हम जीरो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जीरो में इस तरीके से आएगा और ये हैशटैग में कॉलम टाइप में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको कैंसिल करते हैं, और पहले हम मैं आपको ये डिजिट है इसको ही सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल वन दबाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, तो आपको सैंपल में भी चीज़ें दिखती जाएगी। तो जीरो करोगे तो इस तरीके का सैंपल में आएगा, इसमें पॉइंट डेसिमल वैल्यूज आएगा और इसमें आएगा कोमा के साथ, ठीक है, थाउजेंड सेपरेटर आएगा, और यहाँ पर थाउजेंड सेपरेटर के साथ डेसिमल भी आएगा, डेसिमल वैल्यूज़। और यहाँ पर हम चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, हम इसको तीन भी कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ चाहे तो एक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक नया टाइप का हम कस्टम बनाएंगे, बना रहे हैं, और ये है नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। तो आप देखोगे तो ये पॉजिटिव के लिए सेमी कॉलन से पहले जो है ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और सेमी कॉलन के बाद आप देखोगे माइनस हैश कॉमा फिर हैश ज़ीरो, तो ये है नेगेटिव वैल्यू के लिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये है सेमी कॉलन से पहले पॉजिटिव वैल्यू के लिए और ये है नेगेटिव वैल्यू के लिए। नेगेटिव वैल्यू में देखोगे तो ये रेड भी दे रखा है कलर, कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में रेड है, तो नेगेटिव वैल्यू रेड में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। हम चाहे तो इसको यहाँ से हटाकर सिर्फ माइनस भी हटाकर सिर्फ रेड भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर माइनस के साथ है, और थोड़ा और नीचे आते हैं तो थोड़ा और नीचे देखेंगे हम, तो यहाँ पर भी रेड के साथ माइनस, और यहाँ पर रुपीज़ का साइन के साथ भी है, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ तक हमारा है परसेंटेज से ऊपर तक है डिजिट नंबर के लिए। तो हम यहाँ पर पहले मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं माइनस को, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वैल्यूज कैसी आएगी कि कोमा भी आएगा और डेसिमल वैल्यूज़ भी आएगी और रेड साइन आएगा नेगेटिव वैल्यू पर, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो इस तरीके से कोमा आ गया, और यहाँ पे हम माइनस करके 2000 करेंगे तो यहाँ पे देखोगे आप तो माइनस 2000 में रेड है। तो हम चाहे तो इसको
चेंज भी कर सकते हैं। तो हम इसको क्लिक करके कंट्रोल वन दबाएंगे तो जो ये रेड है ना, हम चाहे तो इसको ग्रीन भी लिखेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और ओके करेंगे तो हमने एक नया कस्टम फॉर्मेट डाला जिसकी वजह से ग्रीन आ रहा है। और हम यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हैं, इसको भी कंट्रोल जेड करके हटाते हैं और यहाँ पे हम सबको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव नंबर में, नेगेटिव नंबर में और जीरो टेक्स्ट में किस तरीके से होगा। तो हम यहाँ पर कंट्रोल वन दबाएंगे और एक नया कस्टम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम जनरल हटाकर फर्स्ट नंबर पे हम पॉजिटिव में लिखते हैं हैश कॉमा हैश हैश और 0.0, ठीक है। और फिर सेमी कॉलन देके नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं माइनस ही आए, माइनस और माइनस के साथ हम कोई सेपरेटर नहीं चाहते, ठीक है। और हम सेमी कॉलन दबाएंगे और उसके बाद हम चाहते हैं कि जीरो वैल्यूज़ के लिए क्या है, जीरो वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे हम चाहे तो जीरो लिख देख सकते हैं, ठीक है, डबल कोट के साथ जीरो। और यहाँ पे हम चाहते हैं टेक्स्ट वैल्यू में क्या लिखें, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रेड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके फिर हम ओके करते हैं। तो इस तरीके का कुछ आ गया हमारा। तो हमारा पास था एक जीरो वैल्यूज़, तो यहाँ पे हम जीरो करके देखते हैं, जीरो दबाया और हमने छोड़ दिया तो यहाँ पे जीरो लिखा आ गया, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर हम मान लीजिए कुछ टेक्स्ट लिखते हैं राजा, ठीक है, अब एंटर करते तो ये देखोगे तो ये रेड वैल्यू आ गई क्योंकि हमने रेड में, हमने वहाँ पे कस्टम में डाल रखा था। तो हम इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं और हम थोड़ा फिर से कंट्रोल वन दबाएंगे और हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो 50% है ना, हम यहाँ पर इसको हम फॉर्मेट भी देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ही, एक और तरीके से कि पॉजिटिव में ही दो तरीके का फॉर्मेट आए। तो हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन फिफ्टी थाउजेंड, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर फिर हम देखेंगे वैल्यू की हम चाहते किस टाइप से हैं। तो यहाँ पर हम फिर हम लिख सकते हैं कि ग्रीन में, ठीक है, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमें आप यहाँ पर चाहे तो कुछ और भी देख सकते हो और यहाँ पर पॉइंट के साथ डबल ज़ीरो, तो ये हो गया एक वैल्यू पॉजिटिव में ही लेकिन ग्रेटर देन के साथ। और अब दूसरा पॉजिटिव वैल्यू जब ग्रेटर देन ना हो तो उसके लिए हम चाहते हैं रेड और एंटर करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे तो जितने भी 50 हैं वो सारे के सारे रेड में आ गए, 50,000 से जो कम थे, और जो ग्रेटर देन 50 थे वो ग्रीन में आए हैं, ठीक है, जो कि हमने फॉर्मेट किया था। अब यहाँ पे चाहिए हम यहाँ पे इस टाइप में भी कर सकते, तो ये भी ग्रीन में आ गया। हम अगर यहाँ पे 150 करेंगे तो ये रेड में आ जाएगा और ये ज़ीरो है, ठीक है, तो इसलिए ये रेड में ही है। तो हम इस टाइप से कस्टम कर सकते हैं वैल्यूज़ को, डिजिट को। तो अब हम बात करते हैं टाइम के बारे में कि हम डेट को हम किस टाइप से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो डेट में आप देखोगे तो डेट में अगर हम दो बार DD लिखते हैं या दो बार MM लिखते हैं या दो बार YY लिखते हैं तो डिजिट में आएगा वैल्यू। 05 हो गया, मंथ भी हो सकता है ये, या तो ये डे भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर तीन बार DDD लिखा और तीन बार M लिखा तो यहाँ पे ये इस टाइप में आएगा कि अल्फ़ाबेट में आएगा MON और जैन फरवरी। और ये चार बार अगर हमने लिख दिया MMM और DDD और इसी तरीके से YY, तो ये इस टाइप में आएगा कि मंडे पूरा कंप्लीट आएगा, जनवरी पूरा कंप्लीट आएगा और जो हमारा ईयर है वो भी कंप्लीट आएगा। और ये हम टाइम के बारे में बाद में बात करेंगे, तो पहले हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा डेट है, तो हम इसको पहले सिलेक्ट करते हैं इतना और फिर कंट्रोल वन दबा के देखते हैं। तो यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे हम और यहाँ पे कस्टम पे हम चेक करते हैं नीचे से, तो आप देखोगे कि DD MM YY में इस टाइप में डेट आएगा, ठीक है। अगर हम इस टाइप में करेंगे तो मंथ को तीन डिजिट में आएगा
और यहाँ पे सिर्फ डेट और मंथ आएगा, ईयर नहीं आएगा। और इस टाइप में मंथ और ईयर आएगा, डेट नहीं आएगा। और हम चाहे तो अब इसमें कस्टम भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए पहले हम ये चेक करते हैं, मंथ और ईयर, ठीक है, ओके करेंगे तो यहाँ पे मंथ और ईयर इस टाइप में आया है, ठीक है। लेकिन अगर आप फार्मूला बार में देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट मंथ और डेट और ईयर आया है। तो हम पहले पूरा चेक सेलेक्ट करते हैं जी कॉलम और फिर कंट्रोल वन, और यहाँ पे अब आते हैं हम कस्टम में, और यहाँ पे हम कस्टम में लिखना चालू करते हैं डेट। तो डेट में हम चाहते हैं कि सबसे पहले डेट आए, तो हम यहाँ पर डेट पूरा चाहिए, और उसके बाद फिर डी डी, फिर मंथ, फिर वाई, ठीक है, और ओके करेंगे तो इस टाइप में आएगा ये। तो हम इसको बढ़ाएंगे तो ये आपको देखोगे तो यहाँ पे डी 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 जो हमने लिखा था वो डेट के लिए था, यहाँ पर दो बार हमने डी डी डिजिट में लिखा, और यहाँ पर आया है हमारा मंथ, और यहाँ पर आया ईयर, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसको रेड कलर में आए, तो हम इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल वन दबाएंगे, और यहाँ पर इस पर हम रेड करेंगे, ठीक है। अब ओके करते हैं तो ये सारा का सारा रेड में आएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को फॉर्मेट कर सकते हैं, और हम कंट्रोल वन करते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर वाई वाई जो है यहाँ पे ईयर सिर्फ दो ही बार में आए, और मंथ हमारा सिंगल में ही आए, ठीक है, वर्ड में आए, और डेट हमारा आए ही ना, हमारा सिर्फ डेट कंप्लीट आए, रेड में आए, ठीक है, और ओके करते हैं। तो इस टाइप में आएगा कि ट्यूसडे 2 और 22, क्योंकि हमने दो बार चूज़ किया है। तो इस तरीके से हम इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। और हम अब आते हैं टाइम पर, कि टाइम पर हम क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो टाइम में क्या है कि 24 आवर्स का होता है, तो 24 आवर्स में हम इस टाइप में टाइम्स लिख सकते हैं, डबल एच, फिर यहाँ पर डबल एम, फिर डबल एस, और हम यहाँ पर आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर कंट्रोल वन दबाएंगे, और यहाँ पर कस्टम में आते हैं, ठीक है। तो कस्टम में अगर आप देखोगे तो टाइम का कुछ इस तरीके से, जो कि हमने डेट टाइम फॉर्मेट में भी हमने देखा था, तो मंथ, सेकंड, HHM, तो इस टाइप में करके हम ओके भी कर सकते हैं, तो ये इस टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो इस डेट टाइम में ज़्यादातर कुछ नहीं होता, बेसिकली मेन होता है हमारा डिजिट में। तो अब डिजिट में एक और चीज़ रह गया हमारा, कि हम चाहते हैं कि ब्लैंक वैल्यूज़ भी हम ला सकते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल वन करते हैं, और यहाँ पे हमारा ग्रेटर दैन, तो ग्रेटर दैन में जो 50% है वहाँ पे हम चाहते हैं कि ये वो तो आ जाए कि 0.decimal में आए, लेकिन अदरवाइज़ हमारा ना आए, ठीक है। और तो हम ओके करेंगे, तो आप देखोगे तो जो हमारा यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है आपको 50,000, यहाँ पर दिख रहा है 5,000, तो ये वैल्यू में हमने जो कंडीशन लगाया था ग्रेटर दैन 50,000, तो वो हमारा वैल्यू शो हो रहा है ग्रीन में, अदरवाइज़ में हमने ब्लैंक छोड़ दिया था, तो वो हमारा ब्लैंक गायब हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि वापस इसको लाएँ, तो कंट्रोल करके यहाँ पर आप देखोगे तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं 0.00, ठीक है, फिर ओके करेंगे तो अब आ चुका है। और इसी तरीके से हम एक और चीज़ कर सकते हैं, कि मान लीजिए हमने यहाँ पर किया और फिर कंट्रोल वन दबा के हमने इस सब को ही हटा दिया, और यहाँ पर हम लिखते हैं ब्लैंक। तो हमने अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर के लिए ब्लैंक किया, कि हमने पॉजिटिव नंबर में कुछ नहीं किया, अब हम नेगेटिव नंबर में आते, तो नेगेटिव नंबर में हम रेड लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर छोड़ देते हैं। और जीरो में हम लिखते हैं ब्लैंक छोड़ देते हैं, और टेक्स्ट में लिख देते हैं हम टेक्स्ट, ठीक है, और फिर ओके करते हैं। तो यहाँ देखोगे तो अब टेक्स्ट में टेक्स्ट ही दिख रहा है आपको, और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं थी। तो उसी टाइप में अगर हम यहाँ पे -200 करें तो ये देखो रेड में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जीरो था तो जीरो भी अगर हम करते हैं तो भी ये ब्लैंक में हो जाएगा, क्योंकि ये हमने सेटिंग में कुछ इस टाइप में डाला था। तो हम इस टाइप से कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और हम आप चेक करते हैं ये अदर फॉर्मेट सेल्स में, कि इस लंबे पैराग्राफ को किस टाइप से जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम अलाइनमेंट में। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल वन दबाते हैं, और यहाँ पे हम आएंगे अलाइनमेंट ऑप्शन में। तो हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन है, तो जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करके ओके करते हो
तो इस टाइप में ही जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये फिल ना हो पाए, जब तक पूरी कोशिश करेगा, बीच में स्पेस उसी हिसाब से लेगा। हम इसको अगर बढ़ाते भी हैं तब भी ये आपको देखोगे तो यहाँ इधर एंड कंप्लीट है, इधर भी एंड कंप्लीट है। और इसी टाइप से अगर हम इसको कम करते हैं फिर भी आप देखोगे तो इधर कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है। और सेम इस टाइप से अगर आप यहाँ पर जस्टिफाई की जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो सेम चीज़ होगा। बस एक मेन चीज़ होगा कि जैसे कुछ वैल्यूज़ नीचे रह जाते हैं ना, तो वो क्या करता है कि उस वैल्यूज़ के बीच में स्पेस दे के वो शुरुआत से एंड तक फुल कंप्लीट होने की कोशिश करता है। सेम चीज़ ये होता है हॉरिजॉन्टल में। अब सेम चीज़ ये वर्टिकल में भी होता है। तो वर्टिकल में क्या होता है, जस्टिफाई अगर आप करोगे तो वर्टिकल में क्या होगा, ये ऊपर से नीचे तक होगा। तो जैसे अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो बीच का स्पेस बढ़ेगा लेकिन ऊपर और नीचे का स्पेस बढ़ेगा नहीं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर हम अलाइनमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड में भी कर सकते हैं। तो हम आप अगर यहाँ पे बढ़ाओगे तो भी इसमें भी ये हम बढ़ेगा लेकिन बीच में स्पेस दे देगा, लेकिन ये शुरुआत से लेकर एंड तक में अपना वैल्यूज़ देने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर अब आते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर इंडेंट भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो 6 तक। अगर आप ऐसे करके क्लिक करोगे तो ये अपने आप स्पेस ले लेगा इस टाइप में इधर की साइड। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।